हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड वर्ल्ड और इंडिया जीके में से भारत का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। भारत की नदियां इसमें आएगी, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसमें तीन पार्ट बनेंगे। इसमें हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं भारत के अफवाह तंत्र में क्या आएगा, सामान्य परिचय। इसके बाद आएगा अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां, जिसमें आएगा गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर आएगा सिंधु नदी तंत्र, फिर आएगा सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, फिर आएगी रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, फिर आएगा गंगा नदी तंत्र, फिर आएगा गंगा नदी तंत्र में पूरा परिचय, फिर आएगा इसकी सहायक नदियां यमुना नदी, फिर आएगा यमुना की सहायक नदियां बेतवा, चंबल, सिंध, गोमती, गंडक, फिर आएगा इसके बाद रामगंगा, गंगा की सहायक नदियां, फिर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के परिचय, फिर आएगा प्रायद्वीप अपवाह तंत्र जिसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो कि अरब सागर में गिरती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, फिर आएगा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, कृष्णा नदी, फिर इसके बाद आएगा गोदावरी नदी, कावेरी नदी, उत्तरी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार, तुंगभद्रा, फिर आएगा नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, नदियों के किनारे बसे नगर 25 नगर हैं, फिर उसके बाद आएगा नदियों पर स्थित परियोजनाएं, फिर आएगा झीलें। यह आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तीन पार्ट में। तो आप आज हम पढ़ेंगे भारत का अफवाह तंत्र, इसके तीन पार्ट बनेंगे। पहले हम देख लेते हैं सामान्य परिचय भारत के अफवाह तंत्र का, कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। और इन वाहिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है, अफवाह तंत्र कहा जाता है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं, जबकि इन वाहिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है, अफवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र किसका परिणाम होता है, कि किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र या बहाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं, जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अरब सागर का अपवाह तंत्र 23% और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र भी 23% है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अरब सागर का अपवाह तंत्र 23% और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र भी 23% है। यह हो गया सामान्य परिचय। अब हम पढ़ते हैं हिमालय से निकलने वाले प्रमुख नदी तंत्र कौन कौन से हैं। पहला तो आएगा सिंधु नदी तंत्र, फिर आएगा बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों में आएगा गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो तीन नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहला है जो है सिंधु नदी तंत्र, जो कि अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियों में सम्मिलित है, सिंधु नदी तंत्र। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, व्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलज। फिर आएगा बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां, जिसमें आएगा गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, यमुना, गोमती, गंडक, कोसी, रामगंगा, शारदा, महानंदा, सोम, घाघरा और दामोदर। इन गंगा नदी की सहायक नदियों को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, कि सोमवार को गंगा यमुना का गंडक घाघरा पहन के गोमती चला गया। सोमवार को गंगा यमुना का गंडक घाघरा पहन के गोमती चला गया। उसे ढूंढने के लिए दामोदर कोसी अपनी बहन शारदा और मां नंदा के साथ रामगंगा गया। सोम से तो हो गया सोम नदी, गंगा से हो गया गंगा नदी तंत्र, यमुना से हो गया यमुना,
गंडक से हो गया गंडक नदी, घाघरा से हो गया घाघरा नदी, गोमती से हो गया गोमती नदी, दामोदर से हो गया दामोदर नदी, कोसी से हो गया कोसी नदी, शारदा से हो गया शारदा नदी, महानंदा से महानंदा और रामगंगा से रामगंगा नदी। तो गंगा नदी तंत्र में ये सभी नदियां शामिल हैं। फिर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम पहला पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जो है वो संसार की सबसे बड़ी द्रोणियों में से एक है। सिंधु नदी तंत्र जो है वो संसार की सबसे बड़ी द्रोणियों में से एक है। इसका उद्गम कहां से होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी में बोकचू हिमनद से या मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित बोकचू हिमनद से या फिर मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अंत कहाँ होता है इसका? कराची के निकट अरब सागर में सिंधु नदी का अंत होता है। सिंधु नदी जो है वो भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी कौन सी नदी है भारत में? सिंधु नदी है। और सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 3,880 किलोमीटर। सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3,880 किलोमीटर। फिर आता है कि 3,880 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है कुल, लेकिन भारत में लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? तो 1,134 किलोमीटर लंबाई है सिंधु नदी की भारत में। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में जाना जाता है सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन से देशों में है? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी तीन देशों में बहती है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। भारत में कहाँ बहती है? तो भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहां से करती है? सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है दमचोक के निकट जम्मू कश्मीर से। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है कहां से? दमचोक के निकट जम्मू कश्मीर से। अंत कहां पर होता है सिंधु नदी का भारत में? अटक जम्मू कश्मीर में अंत होता है। और दमचोक के निकट जम्मू कश्मीर से तो प्रवेश करती है सिंधु नदी, और अंत कहां से होता है? अटक जम्मू कश्मीर में अंत होता है सिंधु नदी का। पाकिस्तान में प्रवेश कहां से करती है सिंधु नदी? दर्दिस्तान में चिल्लास के निकट से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पंजाब की जो पांच नदियां हैं वो सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती हैं। पंजाब की जो पांच नदियां हैं वो सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती हैं, जिनमें है पांच नदियों में व्यास, चिनाब, रावी, झेलम और सतलज। ये पांच जो नदियां हैं वो सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती हैं। ईरानी लोग जो हैं वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे क्योंकि वो सह का उच्चारण क्या करते थे? है। इसलिए ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। और यूनानी लोग जो है वो सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। अब आती है सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? दाईं ओर से सिंगी, खम्बन, गिलगित, सियारी, गोमल और काबुल। सहायक नदियां कौन सी है सिंधु नदी की? सिंगी, खम्बन, गिलगित, सियारी, गोमल और काबुल। बाईं ओर से मिलने वाली नदी आती है, पहली है झेलम नदी। और झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से झेलम नदी का उद्गम होता है। और अंत कहां होता है झेलम नदी का? जंग पाकिस्तान में। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। झेलम नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना संचालित है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में कौन सी परियोजना संचालित है? तुलबुल परियोजना संचालित है। श्रीनगर के निकट वुलर झील में बहने के बाद झेलम नदी पाकिस्तान पहुंचती है। श्रीनगर के निकट वुलर झील में बहने के बाद झेलम नदी पाकिस्तान पहुंचती है। झेलम नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और श्रीनगर जो है
वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरी आती है इसकी सहायक नदी जो बाएं ओर से मिलती है, चिनाब नदी। चिनाब नदी को संस्कृत में अस्किनी कहते हैं। चिनाब नदी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अस्किनी कहते हैं। चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है? चिनाब नदी। और ये सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है। चिनाब नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। चिनाब नदी का उद्गम होता है बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। और अंत कहां होता है चिनाब नदी का? मिथनकोट पाकिस्तान में। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा दो नदियों के रूप में निकलती है। चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा दो नदियों के रूप में निकलती है। और ये चंद्रा और भागा जो दो नदियां हैं, इन दोनों नदियों का संगम कहां पर होता है? टांडी में होता है। चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, इन दोनों नदियों का संगम कहां होता है? टांडी में होता है। अब आता है कि चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर चिनाब नदी की कुल लंबाई है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बंगलिहार परियोजना संचालित है। बंगलिहार। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में तीन परियोजनाएं संचालित हैं, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बंगलिहार परियोजना संचालित है। जबकि तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर थी? झेलम नदी पर। सिंधु सभ्यता जो है उसका उत्तरोत्तम केंद्र जो है मांडा, वो भी चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता आपने पढ़ी है, इसका उत्तरोत्तम केंद्र अर्थात उत्तर की ओर केंद्र कौन सा था? मांडा। और वो भी चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आती है तीसरी नदी जो सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है, रावी नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से रावी नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से रावी नदी का उद्गम होता है। अंत कहां होता है रावी नदी का? सराय सिद्धि पाकिस्तान में। रावी नदी का अंत कहां होता है? सराय सिद्धि पाकिस्तान में। और उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। झेलम नदी की थी 724, रावी की है 725। और रावी नदी का संस्कृत में नाम क्या है? एरावती। रावी नदी का संस्कृत में नाम है एरावती। और रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध बना हुआ है? थीन बांध बना हुआ है। रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में थीन बांध बना हुआ है। पाकिस्तान के लाहौर और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान का जो लाहौर नगर है और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो रावी नदी के किनारे स्थित थी। रावी नदी जो है वो पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में बीच के प्रदेश से प्रवाहित होती है। ये फैक्ट आप याद रखें कि कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणी पूर्वी भाग और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच के प्रदेश से प्रवाहित होती है? तो रावी नदी प्रवाहित होती है। हिमाचल प्रदेश का जो एक नगर है चंबा, वो भी रावी नदी के किनारे स्थित है। हिमाचल प्रदेश का नगर है चंबा, वो भी रावी नदी के किनारे स्थित है। अब आती है व्यास नदी। व्यास नदी को संस्कृत में कहते हैं विपासा। व्यास नदी को संस्कृत में क्या कहते हैं? विपासा। जबकि एरावती नाम किसका था? रावी नदी का। और चिनाब नदी का क्या नाम था संस्कृत में? अस्किनी। व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी का उद्गम होता है। अंत कहां होता है व्यास नदी का? हरिके बैराज हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर लंबाई है व्यास नदी की। और व्यास नदी पर मंडी नगर बसा हुआ है। व्यास नदी के किनारे मंडी नगर बसा हुआ है। और व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध और पंडोह बांध बने हुए हैं। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध और पंडोह बांध बने हुए हैं। अब आती है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम होता है राक्षस ताल मानसरोवर झील तिब्बत से। सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? राक्षस ताल मानसरोवर झील तिब्बत से।
अंत कहां होता है इसका? काला बाग पाकिस्तान में। कुल लंबाई तो है इसकी 1450 किलोमीटर सतलज नदी की, और भारत में लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। सतलज नदी की कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर, जबकि भारत में लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। सतलज नदी को तिब्बत में लोंग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? लोंग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश कहां से करती है? शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? शिपकिले दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? स्पीति। स्पीति नदी जो है वो सतलज नदी की मुख्य सहायक नदी है। अब देखते हैं कि सतलज नदी पर कौन सी परियोजनाएं संचालित हैं। पहली है नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, दूसरी है भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना हुआ है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है भारत का, 226 मीटर ऊंचा। फिर आया है गोविंद सागर झील, ये भी सतलज नदी के किनारे बनी हुई है। गोविंद सागर जो झील है वो भारत और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। भारत और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, जो कि सतलज नदी के किनारे बनी हुई है। फिर आएगा नांगल बांध, जो कि पंजाब में सतलज नदी पर है। फिर आएगा हरिके बैराज बांध, ये भी पंजाब में सतलज नदी पर है। तो एक तो है नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा बांध, गोविंद सागर झील, नांगल बांध और हरिके बैराज बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। पंजाब की जो रोपड़ और संथाल सभ्यता थी वो भी सतलज नदी के किनारे विकसित थी। पंजाब की रोपड़ और संथोल सभ्यता जो थी वो भी सतलज नदी के किनारे विकसित थी। पंजाब का लुधियाना नगर और फिरोजपुर नगर सतलज नदी के किनारे स्थित हैं। पंजाब का लुधियाना और फिरोजपुर नगर सतलज नदी के किनारे स्थित हैं। ये हो गया आपका पहला पार्ट कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।